85 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। अब किसान अपने आंदोलन को तेज करने के लिए रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश में दोपहर 12 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। किसान अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर रेल रोक रहे हैं। रेलवे ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित के साथ ही रेलवे ने RPSF की 20 कंपनियां तैनात की हैं। साथ ही इस आंदोलन के चलते कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। भारतीय रेलवे के अलावा राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। साथ ही प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं, जिनमें टिकरी बॉर्डर, पंडित श्रीराम शर्मा, बहादुरगढ़ सिटी और होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। पुलिस प्रशासन भी पूर्ण रूप से मुस्तैद है। एक तरफ किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, वहीं सरकार को ललकारने के लिए किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसके दौरान क्या कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। वहीं किसानों ने देशव्यापी चक्का जाम किया, जिससे सरकार की नींद खुल सके। लेकिन अब ऐसे में आज किसानों के द्वारा रेल रोको आंदोलन की शुरुआत हो गई है, जिनको तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस मसले पर संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि 12 से लेकर 4 बजे तक हमारा सांकेतिक रेल रोको आंदोलन रहेगा। उन्होंने कहा कि हम रेल पर फूल चढ़ाएंगे, लोगों को दूध, पानी, खाना भी दिया जाएगा। राकेश टिकैत का ये भी कहना है कि हम देश भर में जाकर महापंचायत कर रहे हैं और आगे भी महापंचायत जारी रहेगी। वहीं बंगाल में चल रही सियासत को देखते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हम बंगाल में भी जाएंगे, क्योंकि बंगाल के अंदर भी किसानों को दिक्कत है। ये तो 12 बजे से 2-3 बजे तक रहेगा, 3-4 बजे के आसपास तक रहेगा 12 बजे से, और ट्रेन तो आई नहीं रही रेल कहीं को रोक। हाँ, शांतिपूर्ण तरीके हम तो माला चढ़ाएंगे और जो बच्चे वहाँ पाएंगे उनको पानी पिलवाएंगे, उनको दूध पिलवाएंगे, लस्सी पिलवाएंगे, चने देंगे, केले बांटेंगे, मौसमी बांटेंगे, उन्हें अपनी बात बताओगे। रेल तो चली नहीं रही, हम तो कह रहे हैं कि भारत सरकार को रेल चलवाओ। रेल चल कहाँ रही, रेल तो ये बेचने का प्लान बना रहे, प्राइवेट रूट टू को दे रहे। जब बंगाल में क्यों देश में नहीं है भाई, बंगाल में क्यों नहीं जा सकते हम? जाएंगे सब जगह, जाएंगे पूरे देश में जाएंगे, बंगाल में भी तो किसानों को दिक्कत है। एक तरफ देश का किसान सड़कों पर आंदोलनरत है, वहीं सरकार की किसानों के साथ 11वें दौर की बातचीत हुई जो बेनतीजा रही। हालांकि किसान का कहना है कि सरकार जब तक तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। और बड़ी बात यह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जौ की खेती करना शुरू कर दिया है। एक तरफ राकेश टिकैत दिल्ली बॉर्डर पर हल चला रहे हैं, वहीं एक के बाद एक महापंचायत करके सरकार को ललकार रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि किसानों की ये रेल रोको आंदोलन क्या सरकार को जगा पाएगी, या यूं ही ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।